हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो वो सुन रहे होंगे, मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवल्स की लिस्ट से। और मैं पहले ही आप लोगों को एक चीज़ के बारे में बोल देना चाहती हूँ, और वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये वाला रिव्यू या फिर जो मैं इस स्टोरी के बारे में चीज़ें कहूँ वो आप लोगों को सही लगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को, वो ये चीज़ है कि जो भी मैं चीज़ें बोलती हूँ ना, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है, मेरा अपना रिव्यू होता है और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो उस चीज़ को लेके अगर आप लोगों को वो चीज़ सही नहीं लगती है तो उस चीज़ को लेके मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन सॉरी अगर आप लोगों को ये चीज़ें गलत लग भी रही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत नहीं है, ठीक है, तो जो मैंने कही है ठीक है। लेकिन क्या चीज़ें हैं या फिर मैंने ऐसा क्यों कहा, ये तो मैं आप लोग को अभी बता ही दूंगी, या फिर क्या चीज़ें हैं वो आप लोग के सामने खुद ही आ जाएंगी। और आप अपना ओपिनियन मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि सबका अपना अपना नजरिया है, ठीक है। तो जिस स्टोरी की मैं बात कर रही हूँ ना, उसका नाम है माई डेविल हस्बैंड। इसकी जो रेटिंग है वो 4.3, इसके चैप्टर्स आए हैं वो अभी तक 49, और इसकी जो ऑथर है उनका नाम है कृषा राव कृषु, ठीक है। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है, हमारी हीरोइन जो है उनका नाम है आहिरा, और बाकी जो दो अदर कैरेक्टर्स हैं, हाँ जी दो अदर कैरेक्टर्स, यानी आप लोगों को दो भाइयों की स्टोरी जो है वो इसमें देखने को मिलती है। अब क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्शन में आप लोगों को मैं बता देती हूँ। कहते हैं शादी बहुत पवित्र होती है, एक औरत कभी अपना सिंदूर नहीं बांट सकती, तो क्या एक आदमी अपनी बीवी बांट सकता है। एक कुप्रथा के कारण करनी पड़ी 13 साल की मासूम आहिरा को दो भाइयों से शादी, जिन्हें ये दुनिया डेविल ब्रदर्स के नाम से जानती है। शादी की पहली ही रात आहिरा को अपने घर और जिंदगी से निकालने के बाद आखिर क्यों किया डेविल ब्रदर्स ने ही अपनी ही बीवी का बलात्कार। क्या है ये गुत्थी और कौन है ये डेविल ब्रदर्स जिन्हें ये दुनिया डेविल्स कहती है? आखिर क्या कारण था जिससे एक मासूम लड़की को दो भाइयों से शादी करनी पड़ी? क्या कभी दोनों भाई उसे अपनी पत्नी का दर्जा देंगे? क्या कभी उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने आहिरा के साथ गलत किया? अब बोलो, अब आया आप लोगों को समझ में? मतलब मैं एक छोटी सी चीज बोलती हूँ, जो चीज मेरे सामने आती है ना, बहुत सारे राइटर्स हैं या फिर लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि दीदी आप हमें ही ट्रिगर कर रहे हो, या फिर हम लोगों को ही टारगेट कर रहे हो बेसिकली। तो पता है बात क्या होती है, मेरे सामने जो चीज आ रही होती है ना, मैं उस चीज को लेके बोल रही होती हूँ। मैं एक किसी राइटर को टारगेट नहीं कर रही होती हूँ, मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कभी से ही, क्योंकि जो मुझे लगता है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ, वो ये है कि आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोगों की जो ऑडियंस है उसका एज ग्रुप क्या है, ठीक है। आप इमेजिनेशन की दुनिया में हो, लेकिन मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग उसको पॉजिटिवली रखो, ना कि उसको नेगेटिवली लेकर आओ। और उसका इम्पैक्ट लोगों पर क्या पड़ेगा वो आप लोगों को नहीं पता है। आप एज अ राइटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चीज़ें जो है वो पॉजिटिवली दिखाओ, किसी को कोई अच्छा मैसेज दे सको। यार इमेजिनेशन में भी आप लोग ये चीज़ें लिख सकते ना, तो आप लोग की सोच को मैं क्या ही बोलूँ। मतलब कहानियां हमने भी सुनी है, कहानियां हमने भी देखी हैं, लेकिन तुम उसमें डाल क्या रहे हो, लोगों को सिखा क्या रहे हो, लड़का लड़की क्या एज ग्रुप, छोटे से लेके बड़े तक लोग जो है वो कहानियां पढ़ रहे हैं और कहानियां सुन रहे हैं, और आप ये चीजें कहानियों में दिखा रहे हो। एज ये क्या है, 13 साल, उसके बाद आपने 6 साल का गैप दिखा दिया इसमें, तो भी उनकी कितनी हो गई उम्र यार, और उनके साथ ये चीजें आप लोग दिखा रहे हो सीरियसली। और फिर उसके बाद क्या होता है, लड़की को इस तरीके का दिखा दिया जाता है कि वो माफ कर देती है। क्यों, इतनी कमजोर है क्या लड़कियां कि वो खुद के लिए ना तो वो स्टैंड ले सकती हैं, या फिर उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उनको हमेशा दबकर या फिर किसी की जुत्ती की नोक पर रहना पड़ेगा क्या? ये आप लोग मैसेज दे रहे हो सोसाइटी को या क्या सिखा रहे हो? मुझे नहीं समझ में आता भाई, मेरे तो समझ से बाहर है ये चीजें। और जब मैं ये चीजें देखती हूँ ना, मेरा गुस्सा ना मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मुझे ना फिर चाहिए होता है बस कि बस यही चीज जो होती है ना, मुझे बहुत बुरी लगती है कि क्यों लोग इस तरीके की कहानियां लिख रहे हैं, फिर भी वो बोल देते हैं दीदी आपको क्या फर्क पड़ रहा है, ये इमेजिनेशन है। अरे इमेजिनेशन में तुम ये चीजें लिख रहे हो तो तुम्हारी रियलिटी क्या होगी यार, तुम खुद को रख कर देखो उन चीजों की जगह, तब तुम्हें पता चलेगा तुमने तो एक वर्ड यूज कर लिया या तुमने तो ये चीजें लिख दी किसी की लाइफ के ऊपर। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पर भी सही है, या और ऊपर से तुम क्या दिखा रहे हो दो, ठीक है ये स्टोरी क्या है, आप उसमें आप अपने बायो में या फिर कहीं पर भी स्टोरीज में लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता भाई, बिल्कुल भी नहीं आता। और अभी भी बहुत से लोग हैं जो इस तरह की कहानियां लिखते हैं, बल्कि
ये तो कुछ नहीं है, इससे भी बहुत अलग अलग तरीके की चीजें लोग लिखते हैं, बट क्या वो मैसेज देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी गलती ना प्लेटफॉर्म की होती है जो इस तरीके की चीजों को पास करता है, और पढ़ने वाले वो क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या वो देखना चाहते हैं, पता नहीं उन्हें क्या हॉरेबल चीजें देखने का शौक हो चुका है, या फिर उनके दिमाग में चीजें जो है वो भर दी गई हैं। आजकल की जनरेशन ऑलरेडी क्या चीजें हो रही हैं आप लोगों को सबको पता है, ठीक है, और उनको सुधारने की बजाय आप लोग क्या मैसेज दे रहे हो भाई, मेरे तो बिल्कुल सिर के ऊपर से जा रही है ये चीजें। हम लोग नहीं सिखाएंगे, हम लोग नहीं गाइड करेंगे तो फिर कौन करेगा यार। एज अ राइटर आप लोगों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्लीज इस चीज को समझो, एक हद तक लिखो, मैं कह रही हूँ एक हद तक। इस कॉन्सेप्ट को ये दो भाई, दो वट एवर, चार भाई एक लड़की, ये कॉन्सेप्ट मतलब कहाँ से कहाँ आ गए हैं यार लोग। सिर्फ एक पैसे के लिए तुम कुछ भी लिखोगे क्या? तुम खुद को रख कर देखो, तुम इस तरीके की कहानियां पढ़ रहे हो तुम्हारे माइंड पर, मैं मानती हूँ तुम्हें पता है कि ये सिर्फ कहानी है, लेकिन क्या उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे दिमाग में नहीं रहता है? बोल दो जरा कि नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता, इतना सा भी नहीं रहता कि उस चीज को हम सोच कर कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम टीवी सीरियल देखते हैं, हम मूवीज देखते हैं, हम वेब सीरीज देखते हैं, पता नहीं हम क्या क्या देखते हैं, उन सब चीज़ों का हमारे माइंड पर, हमारी सोच पर, हमारी लाइफस्टाइल पर फर्क पड़ता है, चाहे आप मानो चाहे मत मानो, ठीक है। और ये चीज़ यार मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, प्लीज सभी राइटर्स जो भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट या फिर कंटेंट बना रहे हैं, लिख रहे हैं, कृपया करके इसे बंद कर दीजिए, वरना मैं तो खैर क्या ही कर सकती हूँ जब प्लेटफॉर्म आप लोग को आज़ादी दे रहा है तो। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हो सकती हैं, ठीक है। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रही, कोई जरूरत नहीं है इस तरीके की स्टोरीज को पढ़ने की या फिर किसी को रेकमेंड भी करने की, और जो कर भी रहा है ना आप लोगों को कि इस तरीके की स्टोरीज पढ़नी चाहिए या ये है, मत पढ़ो भाई मत पढ़ो। मैं तो कह रही हूँ क्यों आप लोग पढ़ के उनको व्यूज दे रहे हो, तो आप लोग ही तो हो जो उनको ये चीजें कह रहे हो कि आप इस तरीके का कंटेंट लिखो या फिर इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आओ। प्लीज ये सब चीजें मत करो, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। ये इस तरीके की कमाई आप लोगों को कहाँ ही जाकर कहाँ लगेगी, भगवान ही जानता है इन सब चीज़ों को। तो प्लीज़ थोड़ा सा सोचो, बस अब मैं इससे ज़्यादा इसके बारे में और कुछ नहीं कह रही। बाकी आप लोगों को लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो इसलिए नहीं दे रही कि आप लोगों को पढ़नी है, वो मैं सिर्फ इस वजह से दूंगी कि आप लोग देखो कि मैं क्या चीज़ें कह रही हूँ और क्या वो सही है या गलत है। आप लोग अपना ओपिनियन मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड आई होप कि आप लोग जो है वो मेरे ओपिनियन से, मेरी बातों से जो है वो सहमत होंगे, नहीं भी होंगे तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, जो मुझे लगता है वो मैं डायरेक्टली कह देती हूँ, चाहे आप लोगों को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, ठीक है। तो अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़िए, अच्छा अच्छा लिखिए, बस मैं इतना ही बोलूँगी, ताकि हम लोग भी कुछ सीखें और समझें और लोगों को रिकमेंड करें, ताकि वो अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे से खुलकर हंसी खुशी के साथ जी सकें, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो और टुडे, तो आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ते रहिएगा। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो या फिर मेरे रिव्यूज वाली वीडियोस पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, और अगर आपको चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नोटबुक के फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक इस वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।